This is city center. This is No city center. This is Adalakhel. So अभी जितने धूप दिख रही है ना उतने ज्यादा बारिश होने वाली है यहाँ पे थोड़ी सी देर में. यहाँ पे भीड़ देखो यार कितना जबरदस्त भीड़ है. Do you want to buy anything? No. Why? Now you are my girlfriend, you can buy anything. Oh, no, no, no. No, bro. ये यहाँ पे कोई सोप है साबुन ऐसे होते हैं यार ये. What do you think about Indian boy? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर. और अभी मैं हूँ मेडागास्कर की कैपिटल एंतानानारिवो में. एंतानानारिवो का पहले तो मैं आपको एक बार लुक दिखा देता हूँ यार, व्यू दिखा देता हूँ. सबसे पहले ये देखो क्या खूबसूरत एंतानानारिवो दिख रहा है यार, जबरदस्त लुक दिख रहा है. और आज मैं पूरे के पूरे 7-8 दिन बाद ना बाहर निकला हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर बीमार चल रहा था. और आज जो यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड है Madrika. Hi guys, I'm Madrika. I'm from Antananarivo, Madagascar. Antananarivo? You don't think so that Antananarivo is very long name? Yes. So you call Tana? Tana. Tana, short from Tana. ओके सो आज मुझे है ना मेड्रिका है जो घुमाने जा रही है, पूरा टाना जो एंतानानारिवो है ना ये घुमाने जा रही है. तो आज मैं इसके साथ एंतानानारिवो को एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ. आज हम लोग यहाँ पे लोकल फूड वगैरह मार्केट वगैरह ऐसी ही चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो लेट्स गो. तो अभी मैं यहाँ पे ट्राई करने आया हूँ यार, ये यहाँ का कोई लोकल फूड है. व्हाट डू यू कॉल दिस फूड? कुब. कुबा? कुब और कुबा? कुब. कुबा. हाँ इस फूड का नाम है कुबा. कुबा कुबा भाई ये है यहाँ का कुबा. इसका जो बनाने का प्रोसेस है ना मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी एक बार टेस्ट करके बताता हूँ. देखिए कैसा क्या टेस्ट है इसका. गुड. थोड़ा स्वीट टाइप का है, अपने जैसे स्वीट बोल सकते हो यहाँ पे. अपने क्या बताऊँ यार, जो घेव टाइप की होती है ना वैसा आप लोग इसका टेस्ट बता सकते हो. और जो वहाँ पे वो कुबा था, यहाँ का जो नेशनल फूड था कुबा बोलते हैं उसको, उसका एक स्लाइस काट के देते हैं तो 1000 अरेरी का होता है. 1000 अरेरी का मतलब लगभग 20 रुपये, वैसे 18-19 रुपये के लगभग होता है, लेकिन राउंड फिगर में 20 रुपये कर देता हूँ. जो ओरिजिनल प्राइस है वो तो मैं स्क्रीन पर मैंसन करता हूँ हमेशा. और अब हम लोग आ गए यहाँ पे जो यहाँ का मेन मार्केट है ना, एंतानानारिवो का मेन मार्केट है, उधर आ गए. मेड्रिका, दिस इज मेन मार्केट. दिस इज सिटी सेंटर. दिस इज सिटी सेंटर? नो नो सिटी सेंटर. दिस इज अनालाके. ओके, बट दिस एरिया लुक्स गुड, वेरी गुड. वो सामने देखो आपको एक चर्च दिख रहा होगा यहाँ पे. द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग फ्रॉम क्रिश्चियन रिलीजन, राइट? क्रिश्चियन रिलीजन के लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेंगे आप लोगों को देखने के लिए. Do you want to buy anything? No. Why? Now you are my girlfriend, you can buy anything. Oh my God. ये लड़की ना बहुत बेकार है यार. This way. वाह यार मार्केट, यार वेरी नाइस मार्केट. और मेरा आवाज़ वॉइस ना थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा, भारी लग रहा होगा. भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे 7-8 दिन से कोल्ड फीवर वगैरह कफ वगैरह ये हो रखा था, तो इस वजह से मैं 7-8 दिन के बाद कल निकला था और फिर आज निकला हूँ यहाँ पे मार्केट में बाहर. और ये यहाँ का मार्केट कुछ ऐसा है भाई, वाह. यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वगैरह की शॉप्स वगैरह. Do you want to eat anything? Any fruit? No? Why? Baby, you are my girlfriend now. You are my girlfriend. ये देखो यार. Oh my God. What is this? Okay, crabs. Yeah. Seafood, seafood. No, 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 no. No, 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 no. ये देखो भाई क्रैब बेच रहे हैं. How much? 15,000 किलो. 15,000 किलो? 1 किलो और 1 पीस किलो. वेरी चीप, नॉट एक्सपेंसिव. 15,000 अरेरी का 1 किलो मिलेगा तो लगभग 300 रुपये का 1 किलो क्रेम मिलता है यहाँ पे. कोई खास ज़्यादा महंगा नहीं है. नो 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 ब्रो. यहाँ पे भीड़ देखो यार कितना जबरदस्त भीड़ है. टेलीफोन
मैं पहली बार किसी मेडागास्कर की ऐसी मार्केट को घूमने निकला हूँ। आई वाज कंफ्यूज्ड। ये है यहाँ का क्लोथ मार्केट, जो यहाँ के ज़्यादातर कपड़े हैं ना, यहाँ तो फिर भी नए नए कपड़े आपको देखने को, न्यू क्लोथ्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो यहाँ का रूरल एरिया है ना, वहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे मतलब पुराने कपड़े ही देखने को मिलेंगे। तो जैसा कुछ यहाँ पे गांव के, यदि रूरल एरियाज में जाओगे ना, तो आप लोगों को जो कंडीशन है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब मिलने वाली है यहाँ पर मेडागास्कर में। क्या गा रहा है बताओ भाई? वैसे जिसको गिटार बजाने का नॉलेज तो है। और अब हम लोग हैं जो आ गए हैं मार्केट के थोड़ा सा बाहर वाला एरिया है यहाँ पे। यहाँ पे देखो एप्पल का स्टोर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ये BNI मेडागास्कर यहाँ का BNI शायद मेन मार्केट, वो मेन बैंक है। और ये था मार्केट, अभी हम लोग जिस मार्केट को विजिट कर रहे थे वो ये मार्केट था यहाँ का। ये अच्छा खासा एरिया दिख रहा है। यहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बहुत कम देखने को मिलेगी, छोटी छोटी बिल्डिंग्स है। मार्केट है जो नॉर्मल अपने जैसे मैं बाकी अफ्रीकन कंट्रीज में है, वैसे यहाँ पे छोटे छोटे मार्केट देखने को मिलेंगे। सो मैंड्रिका, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान? एनी अदर प्लेस? यू आर लोकल? दैट बड़े भीड़ भड़ाके वाला मार्केट यार, इतनी भीड़ है पूछो मत। पीछे तो और भी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ तो फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ है नहीं। और सुबह ये मैंड्रिका ने मेरे को यहीं से पिक किया था, हम लोग वापस से यहीं पे आ गए। ये यहाँ पे कोई शॉप है साबुन ऐसे होते हैं यार ये, वाह वेरी लाइट वेट। अभी मैं और मैंड्रिका है जो उस मार्केट को घूम फिर के हम लोग आ गए। यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट सर्च करें, कोई रेस्टोरेंट मिल जाए तो वहाँ पे खाना पीना थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे और फिर वापस से देखेंगे। देखिए कहीं घूमने जाना होगा कुछ और यहाँ पे एक्सप्लोर, मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करना होगा तो फिर हम लोग बाद में जाएंगे। शकल देखो यार कैसी हो गई धूप में घूमते घूमते, बाहर धूप बड़ी धूप थी। और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट में खाने। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? Alcohol or beer? Both. Beer? Beer and alcohol. You drink beer? Yeah, you can order, but my... वैसे मेडागास्कर ना है बड़ी ज़बरदस्त कंट्री, बहुत डाइवर्स कंट्री है यार। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको केवल मेडागास्कर में देखने को मिलेगी, मेडागास्कर के अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाली है आप लोगों को। तो मेडागास्कर खैर बहुत दूर पड़ता है, महंगा बहुत पड़ता है यार। फ्लाइट टिकट है ना जो मेडागास्कर के लिए कहीं से भी देख लो, बहुत महंगी फ़्लाइट टिकट है। इंडिया से तो बहुत ही महंगी है, लगभग 50-60 हज़ार वन वे फ्लाइट, बहुत ज़्यादा महंगी है यहाँ से। टू यू ऑल्सो? ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन बॉय? They are good looking. What about loyalty? They are loyal? What do you think, Indian boy are loyal or no? I don't know. You don't know? Mm-hmm. What do you think about me? Good looking, nice. I don't know about your loyalty. You don't know about my loyalty? Yeah, now you look like Indian girl. Really? Yeah, really. You look like Indian girl. Yeah. ये मोहतरमा मुझे पूछ रही है कि आपका फेवरेट इंडियन फूड क्या है। मैंने बोला पनीर और पूरी और गुलाब जामुन, इसमें लड्डू है लेकिन मैं इसको ये समझती नहीं, ये पिक बता के बता रहा हूँ। डू यू लाइक इंडियन फूड? हैव यू ट्राइड इंडियन फूड? यस। वेयर? विद सम इंडियन फ्रेंड्स। हियर? यू हैव इंडियन फ्रेंड्स आल्सो? सीरियस? सीरियसली। व्हिच इंडियन फूड डू यू लाइक मोस्ट? आई लाइक बिरयानी। बिरयानी? चिकन बिरयानी? And I like mutton chili. Mutton? Mm-hmm. Oh my god, you like mutton? Yes. But Indian food is spicy, little bit spicy. वो मोहतरमा ने जो सैंडविच ऑर्डर किया है, मैंने केवल फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया है। यू लाइक? तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने अभी खाना पीना खा लिया, जो बियर वगैरह पीने, बहुत दिनों बाद मैंने काफ़ी दिनों बाद बियर पिया। वैसे मुझे कितने दिन हो गए यार इथियोपिया में, याद ही नहीं आ रहा मैंने कब बियर पी थी। वैसे मैं बियर कभी कभार पी लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बियर और फ्रेंच फ्राइज खाई है बस। और बाकी ये मोहतरमा मैंड्रिका, यू वांट एनीथिंग एल्स? नो। व्हाई? फुल? फुल?
और यहाँ हम लोगों का जो टोटल बिल बना है वो है 33,000 अरी अरी, तो ये लगभग होता है लगभग 650 रुपए के लगभग होता होगा इंडियन करेंसी की बात करूँ तो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो अभी जो कप कॉफ़ी केक एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे हम लोग खा के खाना पीना खा के अपना लंच वगैरह करके और अब हम लोग आ गए वापस से मार्केट की तरफ। अब मुझे मेन ट्रिका वेयर वी आर गोइंग नाउ, वी आर गोइंग टू अंतानारिवो गार्डन। श्योर, ओके, आई नेवर सीन एनी गार्डन ऑफ मेडागास्कर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ का कोई गार्डन है वहाँ पे हम लोग घूमने जा रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ पे बैठेंगे बातें चीतें करेंगे। अभी हम लोग जो है ना वो अच्छा खासा एरिया है यहाँ का मेडागास्कर का, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शॉपिंग मॉल वगैरह, ये यहीं पे यहाँ पे छोटे छोटे शॉपिंग मॉल वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ का थोड़ा ठीक ठाक एरिया दिखता है एंतानानारिवो का। या तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ का, ये कोई गार्डन है यहाँ, ये साथ ये गार्डन मैंने पहले भी दिखाया होगा आप लोगों को। मैं पहले एक गार्डन में, इस गार्डन में आया था सबसे पहले वाले दिन, दूसरे दिन में आया था जब मैं मेडागास्कर में आया था, जब इस गार्डन में आया था। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गार्डन? सॉरी आई कांट प्रोनाउंसिएट, सॉरी अगेन, लाउडली, आई कांट प्रोनाउंसिएट। एक गार्डन है यहाँ पे कोई, भाई इसका सांगता नाना रेन पता नहीं, मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। अंतानानारिवो, ओके, ये कोई गार्डन है अंतानानारिवो, पता नहीं यार, बड़ा अजीब सा नाम है। तो अभी हम लोग इस पार्क में आए हैं, यहाँ पे सारे के सारे मुझे कपल दिख रहे हैं, आई एम स्पीकिंग इन माई हिंदी लैंग्वेज, माई इंडियन लैंग्वेज, सो बट आई एम सेइंग दैट यू आर गुड गर्ल, यू टुक मी मैनी प्लेसेज, यू शो मी मैनी प्लेसेज, यू शो मी अराउंड। मुझे जब से मिली है ना तब से यही बोल रही है, एक घंटे बाद ना, मुझे एक घंटे हम लोग मार्केट में घूमे और तब से ये बोल रही है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, बिकॉज आई हैव मेनी थिंग्स टू डू योरसेल्फ, लाइक स्लीपिंग, ओह माय गॉड, लाइक स्लीपिंग। सो अब हम लोग जा रहे हैं, एक्चुअली मेरेंडिका को जाना है, घर पे थोड़ा बहुत कुछ काम है, यू हैव वर्क, इसको घर पे थोड़ा सा काम है यार, तो हम लोग अब जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा टैक्सी बुक कर दूँ इसके लिए और फिर ये जाएगी और फिर मैं भी शायद हो सकता है मेरे होटल को जाऊँगा। ओके ओके, सो यू बुक टैक्सी, ओके बाय, सी यू टुमारो, बाय। और अभी यहाँ पे थोड़ी सी देर में ना, बस घंटे भर की बात हो रही है, यहाँ पे अचानक से बारिश का मौसम बनेगा, शाम तक है ना 7-8 बजे तक बारिश, अभी जितनी धूप दिख रही है ना उतनी ज़्यादा बारिश होने वाली है यहाँ पे थोड़ी सी देर में, और रोज़ का यहाँ पे यही सीन होता है, लगभग जो 3-4 बजे के लगभग बारिश होने लगती है, अभी लगभग 2 बजे का टाइम हो गया है। वो मेंड्रिका थी वो अपने घर पर गई है और अब मैं जा रहा हूँ मेरे होटल को वापस। ये देखो ये वाला होटल, ये वाला थोड़ा सा ठीक ठाक एरिया लग रहा है, यहाँ पे किसके नारियल के पेड़ है या खजूर के पेड़, खजूर के पेड़ है ये सारे के सारे, और ये वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके ये मेरा होटल है बस यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे। और यहाँ पे मेडागास्कर में मेरे लगभग 8 दिन वेस्ट गए, ये गले ख़राब, यहाँ पे कफ कोल्ड वगैरह खांसी वगैरह ये हो रही थी मुझे, तो उस चक्कर में मेरा 8 दिन ख़राब हो गया। अब मेरा परसों है जो फ्लाइट है मॉरिशस के लिए, 8 दिन है जो मैं साउथ पार्ट को तो मैंने विजिट कर लिया, मैं नॉर्थ पार्ट को विजिट करने का सोच रहा था, तो वो सारा मेरा नॉर्थ पार्ट ना पूरा का पूरा रह गया बिना विजिट किए हुए। मैं सेंट मेरी आइलैंड है, यहाँ भी बहुत खूबसूरत आइलैंड है, उसको विजिट करने का सोच रहा था, और भी नॉर्थ पार्ट में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें हैं, जो ब्यूटीफुल पार्ट है ना साउथ पार्ट में है, जो वहाँ पर एडवेंचर करने के लिए अच्छी जगह है, और जो ब्यूटीफुल पार्ट है वो है जो नॉर्थ पार्ट में अच्छा है। तो आप लोगों को नॉर्थ पार्ट में बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे, लेकिन नॉर्थ पार्ट घूमना नहीं हुआ मेरा, कोई नहीं यार, अगली बार और कभी देखेंगे मेडागास्कर। मेडागास्कर का बस यहाँ का एक ही लफड़ा है, यहाँ पे ना फ्लाइट्स बहुत महंगी है भाई, इंडिया से तो बहुत महंगी, लगभग 50-60 हज़ार की फ़्लाइट पड़ेगी आपको एक साइड का, एक 1.25 लाख की तो आपको फ़्लाइट पड़ जानी है इंडिया से। और यहाँ पे रहता हूँ मैं, मेरा हॉस्टल वहीं पे है, वो देखो उधर सामने मेरा हॉस्टल है, अभी हॉस्टल को जाऊँगा और फिर थोड़ा सा घूमूंगा फिरूंगा। तो कुछ ऐसा यहाँ का सीन है,
और मैं आपको मेरे हॉस्टल में लेके चलता हूँ। और अब थोड़ा सा आपको मेरे हॉस्टल का दिखा देता हूँ यार, मैंने अभी तक हॉस्टल नहीं दिखाया। ये है यहाँ के हॉस्टल का रिसेप्शन, और वो बाहर का भी कुछ ऐसा है हॉस्टल का। ये मेरा टॉवल, चड्डी, कच्चे बनियान सब सूख रहे हैं यहाँ पे। और ये है हमारे रूम। टॉमी, हाउ आर यू टॉमी? या आई एम मिसिंग यू बैडली। ओह बैडली? या आई एम मिसिंग यू, वेयर वर यू? सो ये देखो, ये है 6 डॉर्मेटरी बेडरूम है। ये हमारा हॉस्टल कुछ ऐसा है। मैं पिछले लगभग 10 दिन से यहीं पड़ा हूँ, क्योंकि 10 दिन से मेरा तबीयत, 8-10 दिन से मेरा तबीयत है ना, जो बहुत ही डाउन चल रहा है। 10 दिन से मैं यहीं पड़ा हूँ, और 450 रुपये का रूम है, डॉर्मेटरी रूम, और क्या चाहिए। बाकी ऐसी जगह, एक जगह ठहरना, वो भी बिना कुछ किए, मैं 8-10 दिन से कुछ नहीं कर रहा, और यहाँ पे 2000 रुपये देता रूम के, उससे ज़्यादा बढ़िया है ना डॉर्मेटरी ले लो 450 रुपये में, 500 रुपये में, तो 1000 रुपये में काम चल जाता है। बाकी आप लोग सोचते हो ट्रैवलिंग बहुत महंगी होती है, ट्रैवलिंग महंगी नहीं होती यार। हाँ, मैं जो ट्रैवलिंग करता हूँ ना, ट्राइब्स वगैरह को एक्सप्लोर करना और रिमोट एरियाज़ को एक्सप्लोर करना, जैसे अभी आपने मेरी पिछली सीरीज़ देखी थी इथियोपिया की, तो उसमें मैं हॉटेस्ट प्लेस को घूमने गया था, दाना किल को, तो वो 3 दिन का ही $250 ले लेते हैं। ट्राइब्स ओमो वैली गया था, तो वो आपसे पर डे का $150 लेते हैं। तो वो जो ट्रैवलिंग होती है ना, वो होती है एक्सपेंसिव ट्रैवलिंग। तो ये है, ये वाला मेरा बेड है, ये देखो, ये वाला मैंने ये वाला बेड ले रखा है। और यहाँ पे ये देखो, लैपटॉप वगैरह सारा सामान वगैरह ऐसे खुले ही डाल जाता हूँ मैं, कोई कुछ नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे टॉमी है, जो मैं और टॉमी मोरंडावा को साथ में घूमे थे, फिर हम एनसीरा भी गए थे, फिर ये सेंट मेरी चला गया, और मैं चला गया था साउथ पार्ट में, जो टुलेर है ना, टोलियारा है वैसे, तो वहाँ पे घूमने चला गया था। तो इस वजह से ना थोड़ा सा फिर हम लोग बिछड़ गए, सेंट मेरी घूम फिर के वापस आ गया। ये था इस वीडियो के बारे में, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एल्गोरिदम के लिए कर दिया करो यार लाइक और कमेंट, क्या जाता है आपका लाइक और कमेंट का, है जो कोई पैसा वैसा नहीं मिलता हम लोगों को, सब्सक्राइबर्स का भी पैसा नहीं मिलता, पैसा मिलता है व्यूज़ का भी नहीं मिलता, व्यूज़ पे जो एड्स आते हैं ना उनका पैसा मिलता है। तो लाइक कमेंट कर दिया करो, ठोक दिया करो लाइक, तो बस 1 मिनट लगती है। और सब्सक्राइब, पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब करते जाया करो यार, अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ज़बरदस्त। पता नहीं क्यों इतने कम सब्सक्राइबर है, बढ़ा दो इनको यार, मिलियन पहुँचा दो जल्दी से। 22 अप्रैल को अपने चैनल को 2 साल हो जाएंगे पूरे के पूरे, 2 साल से पहले 1 मिलियन पहुँचा दो, फिर पार्टी करेंगे ज़बरदस्त वाली, जिनको जो चाहिए वो। तो ये था इस वीडियो के बारे में, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।